Thank you, Swami. Haji. Thank you, man. Thank you. अरे एक बात बताऊं, I love you. यह सच्चाई, सच्चाई अपने जीवन का ध्येय है, अपने जीवन का मकसद ही है. हो सकता है कल को जीवन में आपको परेशानी आए, लेकिन जब तक जगबीर राठी स्टेज पे खड़ा यूनिवर्सिटी में है, भाई के चेहरे पे हंसी बनी रही, यही मेरे जीवन का मकसद है. पिछले दिनों में एक आदमी पकड़ लाए, आदमी तो क्या था, पढ़ लिया है. अच्छा ये कोर्स यू शहर ही सब पा रहे हैं लोगों ने, उसी को तो रोते ले जा लो. डॉक्टर साहब मुझे पता है, हुआ वो बिठा लिया है, फूफन उड़ गए. मारे स्कूल ने छुट्टी कराई थी, मतलब बच्चे स्कूल की छुट्टी हुई, मैं उड़े था यूके में, तो उल्टा है ना. मगर चीनो भाई क्या स्कूल की छुट्टी होगी? बोला हाँ जी 5 दिन की रही पिताजी. डैडी आराम तो बोला, पापा और कोई बाबा रह रहे और छुट्टी हो जाए. वैसे हरियाणा में ना बाबा बुबा का फंडा लगा. एक बिल्कुल लोग बात बताता हूँ, मलिक साहब सुन लो. हम मतलब हमारा अगर सूट नहीं करती बात, गंभीर बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब से हो सकता है समाज के लोग बैठे हो, हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ आर्य समाज का प्रभाव रहा. जब आर्य समाज कमजोर हुआ तो ऐसे ऐसे लोग पैदा होने शुरू हुए जो हमारी माँ बहनों को बैठा. अगर कोई आर्य समाज का यहाँ व्यक्ति बैठा है, इस बात को गौर करें. मैं तो कहता हूँ प्रचारक नहीं रहे. वाले बुढ़िया चार बुढ़िया बोला, दादी की चाह है? बोले देख गुरु की सेवा करके आऊ. तो बोले क्यों, गुरु का छोरी हो रही है? ये जो व्यंग था इसलिए हम इनके चक्कर में फंस रहे. मैं सच कहता हूं, एक बोला लाख माई काल भिक्षा, इसे साधु फिर नहीं आओगे. बोले फिर की जाओगा? बोले राम ब्रश के तो जोड़ा और मंगते खाते फिर. तो मुझे अब पता लगा, ये कविता मैंने मैनचेस्टर में लिखी थी. मैनचेस्टर तुषान आज ऐसा काम कर दिया, घर में बढ़ता नहीं डर ला गया. सच में मैंने वहां कविता ही लिखी. तो बोले बाबा सोंदा नहीं, बाबा रोटी नहीं खांदा, मैंने कविता लिखी. थोड़ी ताल में सुनाने की कोशिश करता हूँ. घाट बिछा ले बाबा जी, घाट बिछा ले बाबा जी, उठ के नहा ले बाबा जी, रुकी झुकी जो मिले खा ले बाबा जी. ये भूल जा बुआ मस्त हो, तू अपने दिल लंडाट ले. भूल जा ये बुआ मस्त हो सिरसाड़ी. ये भूल जा बुआ मस्त हो, तू अपने दिल ना डांट ले, अच्छी बूंदी जिसी भी होगी तो अपना बखत ना काट ले. अच्छी बूंदी जिसी भी होगी अपने दिल ना काट ले. तो बोले कदे ना सोची पुलिस वाले तेरे डेरे में बढ़ जाएंगे, लंबे जुल्फाना धोले नहीं तो ढेरे पड़ गए. बॉडी मूंछ बढ़ा गया. मैं तो उस दिन बाद प्रताप भी अच्छा लगना बंद हो गया. ये हमारा डेरा प्रमुख है, इसका बड़ा चीज आया. तो बोला यार पापा तो पकड़ेगा, चलना सिरसा चेली काफी हम उड़ाएंगे. सोचे पुलिस वाले ना तेरे डेरे में बढ़ जाएंगे, लंबी लंबी झूठ सुल डाले ना तो डेरे पड़ जाएंगे. तू काम चला ले बाबा जी, उठ कर ना ले बाबा जी, छोटी सी इस कोठड़ी ने डेरा बना ले बाबा जी. इब तो जेल के बर्तना ने तू अपना सुर गीत बना लेना, गाने गुने गाया करता बताऊ. सारे तो काम करे करता यूए कारण बने, वो सारे काम करे करते जाते फसा. नहीं संत का ये कर्तव्य नहीं होता. संत संत होता है. समाज का कोई आदमी फ्रस्ट्रेट होकर पारिवारिक तनाव के कारण किसी के शरण में जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर्तव्य करना चाहिए.
अगर उसने किया है अब तो किया है जब कोर्ट कह रही है। इस जेड़ा के बर्तना ने तो अपना गीत बना लेना, बूंदे बूंदे कह दिया ना मन का गीत बना लेना, पर दिल में दर्द उठे तो तू उसने संगीत बना लेना, जेड़ का नंबरदार ने तू हनी प्रीत बना लेना। जेल का नंबरदार ने तो हरी प्रीत बना लेना, नाम चला ले बाबा जी दोनों बातें थे। अब सुनिए भाई एक बार उछड़ पड़ी है जो बात सच, हमारा मकसद को घड़ा सुधार पुधार का नहीं है, आप एक बार मस्त हो जी बस, ये काम चला ले बाबा जी, उठ गए नहा ले बाबा जी दोनों हाथा तर धरती खोद के गुफा बना ले। अरे मानस तो मूर्ख से हरियाणवी में सीख जरूर दे दिया मानस तो वो मूर्ख से जो आके की ना सोचे रे, सुख के दिन बीत गई भला क्यों नोचे रे। इस बात पे ताली बजा दे, मजाक बहुत हुआ, लेकिन आजकल मैं प्रताप से भी कह रहा था मां भाई तू ठीक रहा अगर, मैं क्यों मगा ऑनलाइन हो रहा भगवान भी तुरंत फैसला दे दे कि मानस तो मूर्ख से तो आगे की ना सोचे रे, सुख के दिन बीत गए तू इपड़ा क्यों लोचे रे, ऊपर आला सब तशाना सबकी रेखा खींचे रे, ऊपर आला सबकी जाने सबकी रेखा खींचे रे, इब तो न्यू है रहना होगा क्यों जाड़ा ना नीचे रे। तू काम चला ले बाबा जी, खाट बिछा ले, उठ के ना ले बाबा जी। मैं तो जेड़ के कैदी बड़े राजी हुए, मजा आ गया बाबा राम रही आ गया, बोले जब मूड का चल रहा है ना लुगाई वर्गा ला दे, खाट बिछा ले बाबा जी, उठ के ना ले बाबा जी, सुखी सुखी जो मिले इब खा ले बाबा जी, उठ के ना ले बाबा जी, काम चला ले बाबा जी।